आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। सिद्धार्थनगर पुलिस ने सराफा व्यवसायी की दुकान में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए दो व्यक्तियों को जेल भेज दिया है। बताते चले कि मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के बड़े चौराहे पर 29 अप्रैल की रात में सराफा व्यवसायी की दुकान का शटर का ताला तोड़कर दुकान में 600 ग्राम चांदी के आभूषण एक मोबाइल चोर चुरा ले गए थे। इस घटना के बाद पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवाल उठा था, क्योंकि जिस दुकान पर चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया था वो दुकान कस्बे में है। घटना का खुलासा करते हुए सीओ इटवा ने बताया है कि इस चोरी की घटना के खुलासे के लिए मिश्रौलिया थाने के प्रभारी निरीक्षक को लगाया गया था। मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र भगवतपुर गांव के दो व्यक्ति अलीम खान और रामकरण को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। सर, क्या मामला है, गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? देखिए, मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के बढ़िया चौराहे पर दिनांक 29/4/2018 को सराफा की दुकान में चोरी हुआ था, और जिसके क्रम में आज दिनांक 4/5/18 को कमलेश्वरपुरी आम के बाग के पास अलीम खान पुत्र सनाउल्ला निवासी भगवतपुर और रामकरण पुत्र रामकृष्ण निवासी भगवतपुर थाना मिश्रौलिया को चांदी के आभूषण के साथ और आभूषण बनाने के औजार के साथ बरामद किया गया। बरामद करने वाली टीम में इंस्पेक्टर सौदागर राय, एसआई सुनील कुमार यादव, एससीपी राम कुमार यादव, कांस्टेबल रविंद्र यादव, कांस्टेबल राम कुमार दुबे और कांस्टेबल शिव कुमार सरोज शामिल। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल केकेडी न्यूज और हमारी वीडियो अपडेट्स के लिए दबाएं बेल आइकन।